साहब सुबह MCN का कोई गाना मैं बहुत दिनों बाद कवर करने जा रहा हूँ। नया गाना आया है, इट्स फॉर यू, 6 दिन पहले आया, 3.5 लाख व्यूज हो चुके हैं। इतने लोगों ने मुझसे बोला इस गाने को कवर करने को, मैंने कहा ठीक है चलो भाई लेट्स सी इस गाने में क्या है। एक्चुअली मुझे तेरे साथ कवर करने का मन था क्योंकि इससे पहले लोग ये बोल रहे थे, लेकिन फिर मैंने देखा तो कि ये नया गाना है, सो आई थॉट कि ठीक है चलो इससे शुरू करते हैं। अगर तुम लोग चाहते हो मैं तेरे साथ कवर करूं तो स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन में, अगर बहुत सारे कमेंट दिख गए तो मैं कवर कर दूंगा। ठीक है चलो बाकी सारी बातें बाद में, फिलहाल सुनते हैं कि इफ इट्स फॉर यू में क्या है। तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो थ्री टू वन है भी। Oh my God. दुनिया को एंटरटेन कर, लेकिन मेरे लिए तो तेरे पास टाइम ही नहीं है। बता तू आखिर कर क्या सकता है मेरे लिए? Okay. कुछ नहीं ना। Okay. तेरे डिप्रेशन को अब मैं और नहीं झेल पा रही। उफ। बहुत सही मेरे यार। कुछ भी को यार, सबसे बुरा एक डायलॉग यही हो सकता है जब लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो भी है वो ये कह दे कि अब तुम्हारे डिप्रेशन को मैं और नहीं झेल पा रही, बाय बाय। मैन डिप्रेस आदमी टूट जाता है। बट याद रखा कर, ये तेरे बारे में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। If it is for you, मैं दे सकता जान भी मेरी। If it is for you, मैं मर के भी आऊंगा वापस। If it is for you, ताकत लगा दूंगा सारी। If it is for you, मैं सोचूंगा फिर मैं दोबारा। If it is for you, तेरे लिए कर सकता मैं कुछ। एक चीज बोलूं ना, सोचूंगा सोचूंगा फिर मैं दोबारा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बाहर का गाना सुन रहा हूं। जो मेलोडीज हैं हिप हॉप सॉन्ग से नहीं कंपेयर कर रहा हूं मैं, फिलहाल पॉप रॉक से कंपेयर कर रहा हूं, है ना। ये मेलोडीज पूरी बाहर वाली। तेरे लिए कर सकता मैं कुछ भी, सब खुल के बताया ना छुपाया मैंने कुछ भी। मुझे लगा मैंने जितना किया उतना होता काफी, क्या फायदा जब तुझे ही मैं कर पाया खुश नहीं। तुझे जब से देखा मैंने होश नहीं है मुझे यारा, तेरे में कैसा ये नशा। ये पल दो पल की आश की न जाएगी ये साथ, मुझे पहले कभी था नहीं पता। ये पल दो पल की आश की कभी न जाएगी साथ, ये नहीं था मुझे पहले पता। बिल्कुल सही बात है। और ये पता लग जाए तो कितने लड़ने बर्बाद होने से बच जाए, है ना। लेकिन ये पता नहीं होता ना भाई, इसलिए वो 15, 16, 19, 21, 22 तक आदमी बदल जाता है, लड़का बदल जाता है। वो पहले कुछ और होता है और बाद में कुछ और हो जाता है। आश की न जाएगी ये साथ, मुझे पहले कभी था नहीं पता। तो मैं खो चुका हूँ, कितना रो चुका हूँ, तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ चुका हूँ, छोटे साड़ी सह चुका हूँ। अब मैं कह रहा हूँ एक तरीके से मैं खुद के लिए मर चुका हूँ। यस, एक टाइम ऐसा आता है ना जब लड़का बर्बाद होना शुरू होता है तो एक टाइम के बाद उसको लगता है ये मैं हूँ। कभी कभी ऐसे फ्लैशेस आते हैं कि यार मैं कैसा हुआ करता था, आज मैं क्या हो गया हूँ, ये मैं हूँ। तो अपने लिए मैं मर चुका हूँ। अब मैं कह रहा हूँ एक तरीके से मैं खुद के लिए मर चुका हूँ। हो गया है घर सना तेरी मेरी बात हुई, बैठता मैं महफिलों में होती तेरी बात हुई। पता करूँ लोगों से मैं कैसा तेरा हाल चाल, जब से तू गई है खुशियाँ भी तेरे साथ आई आई आई। मेरे को बोलने का मन कर रहा है कि अगर ये सुन के भी कोई लड़की वापस ना आए मैं बोलूंगा नहीं, है ना, क्योंकि डायलॉग में मार चुका। इस डायलॉग ने बड़ा वायरल फीवर फैला दिया था। बढ़िया है दिस लाइन ब्रो, रुक बता दो कौन सी। जब से तू गई है खुशियां भी तेरे साथ गई। इफ इट्स फॉर यू, मैं मर के भी आऊंगा वापस। फिर ट्रूली मैडली डीपली इन लव वाले जो लड़के हैं उनके लिए ये गाना है ब्रो। नहीं मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब ट्रूली मैडली डीपली इन लव में लड़का होता है तो वो कुछ और ही बन जाता है। ठीक है, तो मुझे वो जैसी मैंने सोचा कि जो लड़के हैं उसमें उनके लिए है। जैसे अभी MC Insane ने भी जो यहाँ पे बिल्कुल ये होता है ब्रो, ये असलियत में हो जाता है, लड़का फकीर बन जाता है प्यार में। बनने हैं भाई, हम भी बने हैं, बहुत बहुत हमने बनते हुए देखे। और ये ताकत लगा दूंगा सारी है, सोचूंगा फिर मैं दोबारा। If it is for you, तूने कहा कि तू ब्लॉक मेरे फोन पे, क्या कभी तूने कॉल करके देखा है? मेरे कॉल तो तू काट देती है, क्या कभी किसी को मेरे लिए भी होल करके देखा है? पर तेरा यार कभी करता नहीं है एक्सपेक्ट, लव से भी पहले रखता रेस्पेक्ट। बड़ा टीनेज वाला वाइब आ रहा है मेरे को इस गाने से। ठीक है, बिकॉज दैट ब्लॉक एंड होल्ड वाली बातें, रियलिस्टिक बातें, प्रैक्टिकल जो होता है ब्रेकअप के जस्ट बाद, है ना, या फिर जो गिले शिकवे होते हैं एक दूसरे से, वो कभी करता नहीं है एक्सपेक्ट,
सबसे भी पहले रखता रेस्पेक्ट हर छोटी छोटी ख्वाहिश है मेरी वो भी होती नहीं है पूरी तो होता मैं भी फ्रस्ट्रेट जंग है ये दिल और दिमाग का तू मेरी बातों का ना बुरा मानना क्या कोई मेरा जा रहा है दूर बहुत प्लीज मुझे साथ लेके जाना नाराज बैठी क्यों मेरी परछाई कहती देखना है तुझे पर तू देता नहीं दिखाई कब तक यूं अंधेरे में रहेगा मेरे भाई सब फेयर लव एंड वॉर में इट्स ऑलवेज डू और डाई बिन तेरे मैं सच कहूं मैं जीना ही नहीं चाहता तेरे दो तीन चीजें सबसे पहले तो ये MC Insane का कैमरा प्रेजेंस बहुत बढ़िया है ठीक है दूसरी चीज जिस टीम ने भी इसका वीडियो बनाया है आई थिंक ये फील मी ही वाली टीम है ना बहुत ही यार तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो ब्रो वो जो तुम लोग एक बनाते हो ना लाइक व्हाट डू यू से मैन सम ड्रीमी काइंड ऑफ वीडियो है ना थोड़ा सिनेमैटिक काइंड बहुत सही क्रिएट करते हैं ये टीम ना वो वाली चीज एंड एक चीज को गाने को सुनकर मैं एक चीज के लिए बड़ा खुश हो रहा हूं यू नो व्हाट भाई मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा गाने जो होते हैं ना वो टीनेजर्स ही सुनते हैं एंड जो टीनेज लव होता है मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इंटेंस लव भी वही होता है और पता नहीं मुझे नहीं पता आजकल किस टाइप के गाने आते हैं बट एक टाइम में ऐसे बहुत गाने आते थे व्हेन हम जब गाने टारगेट करते थे उन टीनेजर्स को या फिर उन यूथ को उन जवान लड़के लड़कियों को है ना जिनका हार्ट ब्रेक हुआ होता था उस टाइप के गाने बनते थे बट मेरे को आई डोंट नो मैन फिलहाल मेरे को ऐसे गाने सुनने को नहीं मिलते दैट्स व्हाई वी से कि 90s का पॉप म्यूजिक बहुत बढ़िया था बिकॉज ना हल्लाफ को वैसी बातें होती थी ब्रो है ना तो मुझे ऐसा लगता है सीन में वो वाले गाने काफी गाए हैं एक होता है शेरो शायरी पेल तो भयानक वाली है ना वो अलग चीज हो गई आई एम टॉकिंग अबाउट वो सेगमेंट है ना वो नया नया प्यार करने वाला सेगमेंट या तो बहुत ही ज्यादा दिल टूटे वाले गाने बन रहे हैं मतलब समझ लो मुझे ये गाना लग रहा है बेसिकली वाला आई एम सेइंग इज ये गाना बहुत ही ज्यादा परफेक्ट फिट हो रहा है ना उन लोगों के लिए जो नया नया हार्ट ब्रेक फर्स्ट टाइम हार्ट ब्रेक वैसा वाला सो ऐसा गाना मुझे चाहिए ऐसे गाने मतलब मुझे अच्छे लगते हैं सीन में होते तो अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो म्यूजिक सुनने का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि है मेरे हिसाब से यूथ टीनेजर्स 21 साल से कम वाले उन लोगों के लिए गाना बनाया जा रहा है और ऐसा होता है तो मुझे अच्छा लगता है ब्रो क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा म्यूजिक वही सुनते हैं और सबसे ज्यादा लाइक डिवोटेड म्यूजिक लिसनर वही लोग होते हैं कब तक यूं अंधेरे में रहेगा मेरे भाई सब फेयर लव एंड वॉर में इट्स ऑलवेज डू और डाई बिन तेरे में सच कहूं मैं जीना ही नहीं चाहता तेरे बगैर मुझे जीना ही नहीं आता तेरी कही बातों को जब सोचता हूं मैं कोसता हूं खुद को अब तो जिया ही नहीं चाहता मैं सुन लूंगा तेरी हर बातें पर मुड़ के ना कुछ मैं कहूंगा हो पाएगा जो वो करूंगा बिल्कुल भाई ओ भाई ये लास्ट वाला जो तुम्हारा वर्ड्स का लास्ट कुछ लाइनें थी ये बहुत ही ज्यादा वाली थी ब्रो लाइक गड़गड़ाता भी है इंसान के प्लीज मुझे ना छोड़ो मैं सब कुछ कर दूंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए ठीक है एंड बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक टाइम होता है ना जीवन का लेकिन ऐसा भी टाइम होता है जब गड़गड़ाते हैं लोग लड़के मैं लड़के बोलूंगा भाई मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव की बात अभी करता हूँ आई एम सॉरी ब्रो है ना मैं अभी फीमेल पर्सपेक्टिव पे नहीं जा रहा है ना लेकिन ऐसा समय आता है तो ये जो चार लाइनें थी इन्होंने बहुत ही ज्यादा इमोशनली कन्वे करा है उस पार्ट में गुड लव सॉन्ग ब्रो मैं दे सकता जान भी मेरी है फिर इस फॉर यू अगर गुस्सा हो गई है ना तुम्हारे किसी हरकत से ये गाना भेज देना ब्रो कुछ तो मैसेज कर देगी कुछ तो मैसेज नहीं कर देगी तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं मन में जो बिल्कुल गुस्सा होके बैठे थे थोड़ा सा मेल्ट होगा गुस्सा मुझे ऐसा लगता है मैं मर के भी आऊंगा वापस फिर इस फॉर यू मर के भी आऊंगा वापस नाइस लाइन ताकत लगा दूंगा सारी फिर इस फॉर यू सोचूंगा फिर मैं दोबारा फिर इस फॉर यू ही लाल अच्छा ये एल्बम आ रही है ये एल्बम का पहला गाना है ये क्या गाना है मुझे भाई ज्यादा अंदाजा नहीं है मैं इंसेन को ज्यादा अभी इस टाइम भी नहीं फॉलो आई रोट दिस एल्बम सो दैट आई कैन मेक यू पीपल रियलाइज विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑन यू ओके ये एल्बम द हील एल्बम ओके लेट्स सी कि MC इंसेन के इसके ऊपर हील एल्बम अच्छा ये पहला गाना है हील एल्बम का ओके ऑलराइट ठीक है सही है बढ़िया गाना लगा यार मेरे को एंड यस है ना पहली बार जब दिल टूटता है तो जो बातें करना चाहता है बंदा या फिर जब यार जब ये हो जाता है ना यार जब ये फर्स्ट टाइम होता है कि नहीं भाई उसके साथ नहीं रह पाएंगे
कुछ तो पंगे हो गए हैं, क्या चला गया मेरे मुंह इसके, कुछ तो पंगे हो गए हैं यार अपने पार्टनर के साथ, नहीं जा सकते। उस टाइम भी गाना बहुत ज्यादा परफेक्ट फिट हो रहा है, एंड एज आई सेड दैट आई एम रियली हैप्पी कि टीनेज लव के लिए भी कोई गाने बना रहा है, बिकॉज वो प्यार भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वो शेर व शायरी वाला थिंग इज गुड, मैं उससे ज्यादा रिलेट करता हूँ, लेकिन मेरे टीनेज भाइयों को है ना, मेरे टीनेज फैंस को है ना, वो सेगमेंट वो मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है। जैसे मैंने बोला कि सबसे ज्यादा डिवोशनली म्यूजिक वही सुनते हैं अपनी जिंदगी में, सारे काम एक तरफ म्यूजिक सुनना एक तरफ, वो खाली आदमी तब करता है जब 20 साल से कम तक का होता है, उसके बाद तो भैया म्यूजिक सेकेंडरी हो जाती है ना। सो व्हाटएवर, उनके लिए गाना बनाया, आई एम वेरी हैप्पी, एंड यस एमसी इनसेन ने अच्छा डिलीवर करा। इट वॉज अ गुड राइटिंग, हार्टफेल्ट राइटिंग, इनोसेंट राइटिंग। व्हेन आई से इनोसेंट राइटिंग आई मीन कि भाई दिल की बात है, बहुत ज्यादा फ्लारी चीजें नहीं लिखने की कोशिश करी है, ना मैं मर के भी वापस आऊंगा इफ इट्स फॉर यू। सो यस, गुड सॉन्ग, बढ़िया गाना, मजा आया है ना। मेरे को तेरे साथ सुनने का मन है कैमरा पे है ना, मैंने इसका थोड़ा सा स्निपेट सुना है, मुझे गाना बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल लगा था। तुम लोग बताओ क्या वो गाना कवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी है टारगेट है 10,000 लाइक्स का, जैसे कंप्लीट होंगे तेरे साथ को कवर करेंगे। ओके भाई, मेरे कमेंट्स में बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सॉन्ग, एंड कितना रिलेट कर पाए तुम इस गाने, सब कमेंट में बताओ। चलो ठीक है, बाय, पीस।